क्लास सिक्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 240 एंड 336। तो जैसे आप डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हो वैसे ही इसको आप एचसीएफ निकालना है। नंबर 4 रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू लोएस्ट टर्म्स। तो रिड्यूस मतलब होता है काटाकुटी करके आपको आंसर लाना है। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, छोटा सा, बहुत छोटा सा, 20/36 ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे रहा हूं, 20/36। अब इसको 2 10 20, 2 18 36, 2 से दोनों को डिवाइड किया, फिर से कटेगा, 2 5 10, 2 9 18। तो इस तरीके से छोटे छोटे नंबर हम लोग इजीली काट सकते हैं, बड़े भी काट सकते हैं, काटना या सिंप्लीफाई करना बोलते हैं इसको। लेकिन एक रामबाण तरीका है जिससे हम एक चांस में आपका आंसर आ सकता है, और वही प्रोसेस आपको इनमें करना है। तो क्या प्रोसेस है देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर पहला वाला लेता हूं, सबका प्रोसेस एक ही है। तो 4 का फर्स्ट आपका 312 डिवाइडेड बाय 507। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा एचसीएफ निकालना, एचसीएफ ऑफ 312 एंड 507। और एचसीएफ हम निकालेंगे डिवीजन मेथड से, ठीक है। डिवीजन मेथड इज द बेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट मेथड वही है और सबसे आसान भी है वही। तो 307 वनजा करेंगे, टूजा बहुत ज्यादा हो जाएगा, माइनस करेंगे, 7 - 2 5, 10 - 1 9 95, और यहां 4 - 3 1। तो यहां आएगा 312 आएगा, यहां पर 195 माइनस करेंगे 572, 12 7 आया, और यहां पर 0 10 1 17 1 117। यहां पर क्या आएगा, 195 आएगा, 195 117 7 8 15 8 1 7 78। तो यहां पर आएगा 117 1 78 7 9 39, यहां पर आएगा 78 39 2 78। बस खत्म। कुछ कुछ एचसीएफ थोड़े से लंबे जाते हैं, तो एचसीएफ हमारा कितना है भाई, 39 से लास्ट में डिवाइड हुआ है, तो एचसीएफ हमारा है 39। तो जो एचसीएफ आएगा हमारा, एचसीएफ को फेयर में करना, आपको रफ में नहीं करना, उसी से आपको ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर देना है, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर है। 39 से 312 डिवाइड करेंगे तो हमारा 312 को 39 से डिवाइड करने पे 8 आया, और 507 को 39 से डिवाइड करने के बाद 39, यानी 8/13 हमारा ये आंसर है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको हर एक सवाल में करना है, किसी के थोड़े से लंबे जाएंगे एचसीएफ, किसी के थोड़े छोटे जाएंगे। नंबर 5 फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द नंबर 75, 54 एंड लीव्स रिमाइंडर 3 and 6 रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन का मतलब है सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जिससे 75 को डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर बचेगा और 55 को डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। रेस्पेक्टिवली जब भी लिखा रहेगा, पहला नंबर पहले वाले के लिए और दूसरा नंबर दूसरे वाले के लिए, इसलिए आपको डिटेल में समझा दिया। तो इसमें करने क्या, सबसे पहले आपको, आप सबसे पहले आप जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दोगे। 75 का रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 3, तो 3 माइनस कर दिया आपने, 72। और 54 का रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 6,
48 अब 48 और 72 का एचसीएफ निकाल लो, आंसर आपका एचसीएफ ऑफ 48 एंड 72। अब डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल लोगे, जो एचसीएफ आएगा वही आपका आंसर रहेगा, ठीक है, जिसको मैं आगे और नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट नंबर सिक्स, नंबर सिक्स में आपका फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2 to 8, 305, 382 लिविंग रिमाइंडर्स 3, 5, 7 रिस्पेक्टिवली। यानी इसमें से आपको 228 से 3 माइनस करना है, 305 में से 5 माइनस करना है और 382 में से 7 माइनस करना है। माइनस करके जो आएगा तीन नंबर उनका आपको एचसीएफ निकालना है। नंबर सेवन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245,129 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। यानी दोनों में ही 5 रिमाइंडर बचेगा, यानी दोनों में से आप 5 माइनस करोगे, माइनस करने के बाद जो आएगा उन दोनों का आप एचसीएफ निकालोगे। तो ये 3 से 7 तक आपका होमवर्क है, सफाई से ध्यान से करना, आंसर चेक करना, चेक करने का जो ठीक है उसमें टिक लगाना बड़ा सा पेंसिल से, जो रॉन्ग है उसमें बड़ा सा एक क्रॉस लगाना, ठीक है, उसके बाद मुझे फोटो भेजना। ध्यान से करोगे तो सारे आंसर ठीक आएंगे आपके।